तो दोस्तों इंडियाना जोन्स का डायल ऑफ डेस्टिनी जो मूवी है वो हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है, वो भी ओरिजिनल वाली। मैंने सारी मूवी देख ली। तो दोस्तों अब बात करता हूँ कि भाई कैसी ये मूवी रहने वाली है। तो दोस्तों फर्स्टली जो मूवी की लेंथ जो है आपको 2 घंटे 20 मिनट के आसपास की देखने के लिए मिल जाती है, और अगर आप इसको देखने का सोच ही रहे हो तो भाई एकदम अंधेरे कमरे में बैठने के लिए सोचना, क्योंकि यहाँ पे शुरू के कुछ पार्ट जो है यानी कि 10-15 मिनट के आसपास की जो मूवी है वो यानी कि थोड़ा नाइट में होती है, तो आपको रात में ही देखने में यानी अंधेरे कमरे में ही देखने में मजा आएगा। साथ में बात करूँ इस मूवी की, आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग जो है यहाँ पे 2023 में जो मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हुई थी उसकी जैसी फीलिंग आपको आने वाली है, बिकॉज कुछ सीन जो है यहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल से इसके मिलते हैं, लाइक ट्रेन वाला सीन, साथ में जो मिशन इम्पॉसिबल में एक चेजिंग वाला सीन था जिसमें टॉम क्रूज का कुछ विलियंस पीछा करते हैं गाड़ी के साथ, तो दोस्तों वो वाला सीन भी आपको इंडियाना जोन्स में देखने के लिए मिल जाता है। इसकी हिंदी डब है वो ओके सी है, तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली समझ सकते हो, सबटाइटल के साथ आती है। तो यहाँ पे प्लॉट ये है कि यहाँ पे इंडियाना जोन्स के पास एक आधा घड़ी का हिस्सा है और एक पूरी घड़ी है जिसका आधा हिस्सा यहाँ पे इंडियाना जोन्स के पास है और आधा हिस्सा जो है यहाँ पे खोजना रहता है। तो दोस्तों यहीं पे जो हमारे हीरो उनके साथ एक और लड़की रहती है, एक और करेक्टर है जो कि सारे के सारे, मतलब एक और बच्चा भी है साथ में, ये तीन करेक्टर जो है मिलकर जो है उस घड़ी को ढूंढते हैं, और साथ में इनके पीछे कुछ विलियंस भी पड़े हैं उस घड़ी के पीछे। अब इनको वो घड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर मिल जाती है तो उसके बाद उस घड़ी के साथ क्या होता है, उस घड़ी से क्या होता है, तो आपको आप मूवी में देखने के लिए मिल जाएगा। और मूवी की स्टोरी अगर की बात करूँ तो दोस्तों मुझे ठीक ठाक सी लगी, मतलब अच्छी सी है। और यहाँ पे मूवी की टाइमलाइन जो है यहाँ पे हिटलर के समय से जोड़ी गई है, यानी यहाँ पे हिटलर के समय को थोड़ा सा फैंटेसी करके यहाँ पे जोड़ा गया है। हिटलर भी आ रहा है कि एकदम रियल वाली स्टोरी नहीं दिखाई है, बस फैंटेसी है, तो यह फैंटेसी करके हिटलर से जोड़ा गया है। मूवी को देख के आपको पक्का मजा आने वाला है। ये मूवी देख ली मुझे कमेंट करके जरूर बताना।